उसने उसके बाद उसे पता चला कि बर्नी मैडॉफ ने जो पैसा बनाया था वो एक पोंजी स्कीम थी, यानी एक फ्रॉड से बनाया था। उसके दो बेटे थे और बीवी, उनको भी नहीं पता। जैसे ही पता चला उनको कि ये फ्रॉड में पकड़ा गया, जब उसे पकड़ा, एक बेटे ने खुदकुशी कर ली, मतलब कि मैं माशरे में नहीं रह सकता। दूसरा बेटा सॉलिटरी, यानी अपने आप को उसने आइसोलेट कर दिया और दो साल के बाद मार गया। बीवी ने तलाक दे दी, यानी उसकी अपनी फैमिली ने उसको डिसओन कर दिया। सिंगापुर के अंदर दो लीगो न्यूज, जो सिंगापुर का बड़ा स्टेट्समैन था, दो उसके वजीरों ने जब करप्शन में पकड़े गए, खुदकुशी कर लिया। देखिए माशा, जब माशा क्राइम फाइट करता है तब क्राइम आप जीतते हैं। तो मैं जब था फ्राइडे में पैसा उधर कर दिया, उसने अंदर कर दिया, किस किस को पकड़ेंगे? जब तक माशरे के अंदर आपके अच्छे बुरे की पुलिस नहीं है। और इधर मीडिया का बहुत बड़ा हाथ। अब मुझे अभी आपने बात की कि जी देखिए कोई सच फलाने के लिए और कोई सच इमरान खान के लिए, ठीक कह रहे, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि गवर्नेंस, कोई क्या कहेगा इमरान खान की बेहतर है, कोई क्या कहेगा शबाज की बेहतर है, कह सकते हैं क्योंकि डिफरेंट ओपिनियन है। कोई कहेगा कि इकोनॉमी उस टाइम में बेहतर थी, कोई कहेगा मेरे टाइम की बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब कोई लोग करप्शन के अंदर 16 अरब रुपए की करप्शन ओपन एंड शट केस में अगर एफआईआर करो, उसका अंडर ट्रायल है, उसको आप कैसे कह सकते हैं किसी को मेरी राय और फर्क है उसकी राय फर्क? वो उसका मतलब के जब आप नवाज शरीफ झूठ बोल के अरब, अच्छा अरब 4 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज है लंदन के अंदर जितनी है, उसके बेटे ने एडमिट किया कि ये बेनिफिशियरी ओनर इन प्रॉपर्टीज की मरियम नवाज है। मरियम नवाज जब छोटी थी जब प्रॉपर्टीज थी, इसका मतलब नवाज शरीफ का पैसा। क्या वजह है कि आज तक उसको कई लोग मानते हैं, बल्कि स्कीम पूरी एक कोशिश हो रही है तो उसको पाकिस्तान के अंदर अभी फिर कि इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई करो और फिर कहेंगे अच्छा दोनों को हम इलेक्शन लड़ने की जगह दे देते हैं, यानी मुझे और उसको एक जगह पे खड़ा कर दिया। इतने बड़े लुटेरे को ये कह रहे हैं कि जरा इमरान खान वो क्योंकि पता नहीं वो उस केस के अंदर इलेक्शन कमीशन, देखिए ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है और इधर मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज मीडिया अवाम के ओपिनियन को शेप करता है। जिस तरह के एसाद डर जब गया हार्ट लॉ के ऊपर, तो उसने जो उसका हाल किया है, कोई भी वीकनेस जिसमें हो या जिसके ऊपर करप्शन, वो नहीं जा सकते मीडिया के ऊपर, वो छुपते हैं मीडिया से। या हर रोज शाम को जिनके ऊपर अरबों रुपए करप्शन के केसेस है वो जाके बैठा देते हैं, देख बुझाया पीटीआई का मासूमी सर जो बैठा देते हैं साथ ऊपर जिंदा में होते तुम चोर तुम चोर। सो वेरी सबसे ये जो और इसी के ऊपर मैं आ रहा हूं कि जब हमारी एस्टेब्लिशमेंट को पता था इनके पास कितने साल 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, सारे इनके पास केस, मुझे इन्होंने दिखाया। मैं सवाल ये पूछता हूं कि इन्होंने कैसे इनका रास्ता लिया? अगर मुल्क की फिक्र है तो कैसे आप इनको इजाजत दे देते? एक तो हमें पता कि अमेरिका का इंटरेस्ट, अमेरिका का इंटरेस्ट, अमेरिका की जो पॉलिसी वो अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, उनका है कि वो पाकिस्तान हमेशा एक टेलीफोन करो तो जो काम करवाना चाहे यहां से करने के लिए तैयार है। इसका यही मतलब कि अगर आज मैं कहता हूं कि बेसिस नहीं दे रहे या मैं कहता हूं मैं रूस, ये नहीं कि मैं एंटी अमेरिकन, उनका अपना इंटरेस्ट है, हमारा काम है अपने लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, ये एंटी नहीं है। लेकिन उनको इतनी आदत पड़ी हुई है यहां कि ये हाथ बांध के सामने खड़े हो जाते हैं। तो मैं इस ये मुझे इश्यू है कि कैसे एक बाहर से हमें पता है डॉलर लोगों तो सबके पास उसका जो साइफर था वो तो सबके पास है, वो तो आर्मी चीफ के पास भी गया था, प्रेसिडेंट पाकिस्तान के पास भी गया, मेरे पास आया, फॉरन ऑफिस के पास, तो वो तो हमारे पास पता था कि वो एक अंडर सेक्रेटरी कहता है कि इमरान खान को नहीं जाओगे तो कॉन्सिक्वेंस होंगे पाकिस्तान में। लेकिन मैं हैरान हूं कि जब ये भी पता था कि बाहर से साजिश, ये भी पता था कि हमारे लोगों को पैसे देके खरीदा जा रहा है, और ये भी पता था कि चोर फेस करने वाले हैं जिनके ऊपर करप्शन आपके तौर पर केसेस बने हुए, कैसे उनको इस मुल्क पे मुसल्लत होने दिया? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के पास पावर है, उनके पास सबसे ज्यादा पावर है, तो पावर के साथ जिम्मेदारी आती है।
یہ نہیں ہو سکتا کہ پاور آپ کے پاس اور ذمہ داری کسی اور کے پاس. اتھارٹی اور پاور ساتھ ساتھ جاتے ہیں. جب یہ اوپر آئے ہیں تو آپ جتنا مرضی کہیں ہم نیوٹرل ہیں, جو مرضی آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں. تاریخ کے اندر لوگ آپ کو بلیم کریں گے جو ملک کے ساتھ کیا. یہ جو اوپر آپ کو پرفارمنس ہے تاریخ لکھی جا رہی ہے پاکستان کی, کہ کیسے آپ نے ان لوگوں کو ہمارے پر مسلط ہو جو چار مہینے میں ہوا ہے پاکستان کے ساتھ تھے. چار مہینے میں جو مہنگائی کے اوپر سپوزٹلی آئے تھے اور آج جو مہنگائی. اور میں آخر میں ہم بات کروں, اب کوشش کیا کی جا رہی ہے؟ پہلے ان چوروں کو مسلط ہونے دیا, ان کی کوشش یہ تھی کہ اچھا جی وہ ہٹائیں گے جب کا یا تو گورنمنٹ جب ہٹ کے لوگ ہٹائیے بانٹے. وہ نہیں ہوا. پبلک نہیں پائی سکتا پہ کبھی پاکستان میں اس طرح پبلک نہیں تھی. اور اس کے بعد جو 17 جولائی کا بائی الیکشن ہوا وہ ایک اور شوق مل گیا. جب الیکشن کی کوئی شکل مل گئی, انتظامیہ بھی یہاں بڑا مشکل ہے, یہ تو ایکسپرٹس ہیں دان لیے تو ادھر بھی جیت گئے طریقے صاحب. 25 مئی کو انہوں نے جو ظلم کیا اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ پاکستان گھروں میں رہ کے 3-3 بجے جا کے اور جو بچے پھنس گئے ہیں ان کے اوپر جا کے ان کو ذلیل کہتے ہیں کہ آج بھی اپنے اوپر دوسرے لوگوں کو لے بھی لیتے. لیکن عورتیں بچوں کی رات میں 3-4 لوگ گھر گھسا ہے ان کے اوپر کیا گزری ہو؟ خوف بنایا گیا اس کے باوجود پھر سے اٹھ گئے. اور آپ کیا فیز ہے؟ یہ فیز ہے سائیکولوجیکلی اس ملک کو ایسا دبایا جائے کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ تسلیم کر لیں جو اوپر سے دبایا. اور اس کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کے لوگوں کو جس طرح اٹھایا جاتا ہے, کئیوں کو اٹھا کے پھر جس نے کوئی فوج کے خلاف ٹویٹ کی ہو اسے کہتے ہیں, اسے پہلے اٹھا لیتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا یہ نہیں کہ میرے سے معافی مانگو, کہو کہ عمران خان نے کہا میرے سے خلاف ٹویٹ کرا. ان سوشل میڈیا کو بچارے بچوں کو اٹھا رہے. یہاں میڈیا کے سامنے میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے دیکھا کہ آج امید نے بڑی کیئرفلی ایسے ورڈنگ کی کہ انشاءاللہ کپڑے آپ ہی پھٹیں گے اس بار. اور سمیع بھائی عمران ریاض اور میں, مجھے بڑا افسوس ہے کہ ارشد شریف, اب ارشد شریف جب سے میں وہ جانتا ہوں وہ ایک اپنی سوچ کا آدمی ہے, بہت ہی پیٹریوٹک ملک میں مطلب پاکستان. وہ جو سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک لائن میں اس کو پڑھ جاتا ہے اور اس لیے اس کو لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کا سٹانس کیا ہے.